नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सरू, तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। अभी से ये हाल है, पता नहीं कुछ क्या होगा। अरे तुझे पता है, इसकी सारना के बारे में सोच सोच के पता मुझे कुछ कुछ होता है। जरा देख तू, तेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। अभी से ये हाल है जो तेरे करीब और करीब और कहानियां दादी की हो या नानी की, एक राजकुमार सब में होता था जो सफेद घोड़े पर आता था। मैंने भी कई बार अपनी दादी से ये कहानी सुनी। बचपन में सुनी कहानी का सच होना किसी सपने से कम नहीं होता। और आज मेरी सुहाग रात थी, वो रात जिसका सपना हर लड़की देखती है, क्योंकि उसकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत होती है ये रात। क्या कुत्ती किस्मत पाई है तूने साले, बड़ी जलन हो रही है तुझसे आज। साले तो जल रहा है मुझसे। अबे तुझसे नहीं, तेरी किस्मत से। काफी अच्छा वक्त चल रहा है यार तेरा। चल रुक रुक। हाँ वक्त तेरा होगा। अरे रहने देना। नहीं रख ले, तुझे मैंने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया ना शादी पे। पहन ले पहन ले। पर जो भी है, एक बात बताऊं, भाई गॉड बड़ी खूबसूरत बीवी मिली है तुझे। देख देख देख, शक्ल तो देख, शर्म से लाल हुआ जा रहा है मेरी जान। अरे दुनिया वालों, अरे अरे ये मेरा कड़क दोस्त है, मेरा जिगरी यार, मेरा बचपन का दोस्त, ये भी साला शर्म से लाल होता है। शक्ल देख, लाल हो गया मेरी जान। अरे नहीं चुप चुप, अभी इतनी रात हो गई है यार, सब सब सो रहे होंगे, बैठ जा। अब तो ये बोलेगा ही, पर मेरी बात सुन, अंदर जाके बस नहीं कर देना। ये जो बिल्ली होती है ना मेरी जान, शादी की पहली रात को ही मारी जाती है। प्रताप बहुत देर हो चुकी है, सरू काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनील तुम भी चल के अब सो जाओ। यस दीदी। हाँ यू आर राइट। बैठ जा, मैं जा रहा हूँ और तू सो जा। दीदी ने बोला ना देर हो गई। मैं चलता हूँ। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में मेरा दोस्त अपनी वाली के साथ और मैं अपनी वाली के साथ। सॉरी सरू, देर कर दी ना मैंने। वो सुनील है ना, उसने देर
करा दी, छोड़ ही नहीं रहा था वो। सुनिए मेरा दोस्त है, मैं पता है कह रहा था कि उसे मुझसे जेलस हो रही है। सच्ची तो कह रहा था, तुम हो ही इतने सुंदर। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। आओ बेटा बैठो, आज से ये घर तुम्हें संभालना है। कामनी तुम्हें सब समझा देगी। चल सरू, किचन में चलकर कुछ मीठा बना सबके लिए। मैं चलती हूँ तेरे साथ, आ जा। अरे हम भी तो चखे कैसा बना है हलवा। अच्छा है। अच्छा है? अरे ये तो बहुत अच्छा है, कसम से ऐसा हलवा मैंने आज से पहले कभी नहीं चखा। सरू I'm sorry, मैं तुम्हें सरू बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी हो तुम मुझसे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, it's okay. ये हुई ना बात। वैसे प्रताप तो चला जाएगा अपनी जॉब पर मैं आता रहूँगा तुम्हारे हाथ का खाना खाने। क्यों प्रताप, सही कह रहा हूँ ना? कितना बोलता है तू। चल बागों में चलना है, फसल देखनी है। मामनी दीदी से कहना कि हम लोग दोपहर तक आ जाएंगे। अरे भाई तेरे चश्मे और सिगरेट रह गए, बाद में मुझे बोलता रहेगा। ओए, चल बता कैसी रही तेरी सौगरात। बिल्ली मारी नहीं मारी रात को? छोड़ना यार, खेत पे चलना है, इस बार फसल पता नहीं अच्छी है कि नहीं देखना है। भैंचोद मैं तेरे को रात की बात पूछ रहा हूँ, तुझे खेतों की बड़ी हुई है। बताना बताना बिल्ली मारी नहीं मारी। छोड़ना यार, क्या बात। बताना बता बताना साले, तुझे सब बताना जरूरी है क्या? जब देखो गुस्सा है साला। यहां से चल। छोड़ यार, तू मुझे एक्सप्लेनेशन देगा? वैसे भी काफी दिन हो गया मुझे शादी में आए हुए, मैं अपने घर हो आता हूं। मेरा बचपन यहीं श्रीनगर में गुजरा है। पिताजी को बड़ा लगाव था इस शहर से और इस घर से। एग्जॉर्डस के वक्त भी यहाँ से गए नहीं वो। पिताजी के देहांत के बाद मेरा भी यहाँ से जाने का कभी मन नहीं हुआ। थोड़ा ट्रेडिशनल इंसान हूँ मैं, मुझे समझने में शायद थोड़ा समय लगे आपको। खैर मैं तो अपने ही बारे में बातें किए जा रहा हूँ। सुना है आप काफ़ी अच्छा लिखती हैं। नहीं बस ऐसे ही। नहीं सुनाइए ना कुछ। साथ रहकर जुदा सा रहता है, शख्स है पर खुदा सा रहता है। अरे वाह, आजा मेरी जान, एक एक लगाते हैं। मेरा दोस्त सुनील। जाइए आप बैठिए। जाऊं? जी जी आप आया। बड़ा बेशर्म है बेतू। तू गया नहीं अभी तक, तू तो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ। अभी तेरी शादी खत्म होगी क्या, मैं निकल जाऊँ? हाँ अभी बहुत दिन बाकी है मेरी जान। ये ले पकड़, तेरे लिए ड्रिंक बनाया। नहीं यार आज नहीं। अरे पकड़ना यार, रोज पीते हैं। पी यार, वो कल काफी देर हो गई थी तो मैं सोच रहा हूँ कि आज नहीं पीऊंगा। अबे तेरी शादी क्या हो गई, तू बदल गया? तू ये पी और ये खा भी। ले 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 ले, मैं चलता हूँ। दोस्त दोस्त ना रहा।
प्रताप जी दीदी, कहीं जा रहे हो? हाँ वो थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मैं आता हूँ दोपहर तक। आज तुम्हें सरू को लेकर उसके मायके भी जाना होगा। क्यों? परंपरा है। तो आप उसे ड्राइवर के साथ भेज दो या फिर आप चले जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं, पगफेरे की रस्म है प्रताप, तुम्हें ही निभानी होगी। शाम तक घर वापस आ जाओगे, सरू तैयार हो रही है, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। जीजा जी, चाय। थैंक यू। कैसी है? खुश तो है ना? हाय जीजा जी, बड़े सेक्सी लग रहे हैं। कुछ भी बोलती है। चुप और क्या? कैसी रही तेरी शाम? मुझे बता, मुझे बोल दे दे। रुक ना, मुझे ना चुप कर, तू पागल हो क्या? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा से बोली, इतनी बातें कर रही थी वो, ये बताना। अरे क्यों शर्म आ रही है, बोल भी दे। अरे इसको शर्म आ रही है, बता ना। आएंगे बाहर ही बैठे, सुन ले, बोल भी दे। हां हुआ है, हुआ है, तभी तो हुआ है, बता भी दे। प्रताप, प्रताप क्या हुआ है? ये आप कैसे गाड़ी चला? प्रताप, प्रताप क्या कर रहे हैं आप ये? कि आप कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? वो टॉवल देना वहां से। बताइए प्रताप, कहाँ की तैयारी है? अकेडमी वापस जाना है दीदी। हाँ लेकिन अभी तो तुम्हारी छुट्टियां बाकी है ना? 4 ही दिन हुए अभी तो शादी को, कुछ दिन तो गुजार लेते सरू के साथ। दिन गुजारने के लिए जिंदगी पड़ी है दीदी, अभी जाना जरूरी है। लेकिन कल तो मैं भी घर चली जाऊंगी ना, सर तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी ना। मैं पूरी जिंदगी तो यहाँ रह नहीं सकता दीदी, आप जानते हो कि मेरी ड्यूटी कैसी है। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अपना पूरा ख्याल रखना, दवाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं। बाकी सर वो है, पूरा ध्यान रखेंगे वो। चलो मुस्कुराओ। बचपन से मेरी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ है तू। जब भी कोई शरारत करके आता था तो मेरे पास आकर ही छुप जाता था। तेरी आंखें सबसे झूठ बोल सकती हैं प्रताप, मुझसे नहीं। सच सच बता, हुआ क्या है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस देर हो रही है, चलता हूँ। प्रताप का इस तरह चले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम दोनों के बीच कोई बात तो नहीं हुई? कुछ
कोई बात ही तो नहीं हुई। शुक्र है तूने फोन तो किया। कहाँ है तू? इतने फोन किए तुझे, एक फोन तक नहीं उठाया तूने मेरा। शादी के बाद दोस्त को भूल ही गया? पागल है क्या? तुझे भूल सकता हूँ क्या मैं? बस यार वो, खैर ये बता घर पे सब ठीक है ना, माँ सरू? तू खुद फोन करके नहीं पूछ सकता उनको? यार तू जाके पता कर लिया कर, वो एक्चुअली अभी। अभी भी क्या? कुछ नहीं, बस मैंने कहा ना घर जाके पता कर लिया कर और हर रोज मुझे बता दिया कर। अभी मैं फोन रखता हूँ, बाय। अच्छा सुन तो, काट दिया? बड़ा अजीब आदमी है, शादी के बाद अचानक से क्या हो गया इसे? बस ये अपने काम में कुछ ज्यादा मसरूफ रहते हैं। सही कह रही हो तुम, ये बात तो है उसकी, वो जिस भी काम को पकड़ता है उसी में घुस जाता है। वैसे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, माँ कह रही थी कि तुम उनका बहुत ख्याल रखती हो। अच्छा सरू मेरी क्लिनिक का टाइम हो रहा है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ तो मैं चल। नहीं आप ऐसे कैसे, आप इतने दिनों के बाद आए, खाना खा के जाइए, बैठिए प्लीज। अरे नहीं नहीं सरू, खाना नहीं खाऊंगा मैं। कहा ना बैठे, प्लीज बैठिए। अच्छा ठीक है, खा कर ही जाता हूँ फिर। वैसे तुम्हारे हलवे का स्वाद अभी तक जुबान पे है मेरे। रियली? तो मैं हलवा ही बना देती। हेलो जी दीदी। प्रताप, कोई गलती हुई है मुझसे? तो फिर आप किससे दूर भाग रहे हैं? अपने आप से, मुझसे या हमसे? इसकी भी जरूरत नहीं है क्या?
थैंक यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं, जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो आप मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? बात तो कर ही सकते हैं, जवाब दीजिए। क्या? हेलो सरू, प्रताप का एक्सीडेंट हो गया, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। थैंक यू। प्रताप कैसा है तू? कैसे हुआ ये सब? मैंने कहा था ना, छोटी सी चोट है, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें सुनील की कोई गलती नहीं है, मुझे जैसे ही पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जिद की थी। मामूली सी चोट है, एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। इतना लंबा रास्ता तय करके तुम लोगों को आना भी नहीं चाहिए था। सुनील वापस लेके जाओ, शाम होने वाली है वैसे भी। ऐसे कैसे चले जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सुनील तुम जाओ। सुनील, मैंने कहा लेके जाओ। चल ठीक है फिर, तू अपना ध्यान रखना। आओ सरू, सरू आ जाओ। सरू, सरू जी सॉरी। तुम परेशान मत हो, प्रताप बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ, गाड़ी में कल वापस कर दूंगा। मतलब आप अंदर नहीं चले? नहीं, काफी लेट हो चुका है। हाँ काफी लेट हो गया है, इसलिए आपको इस वक्त घर नहीं जाना चाहिए, इतनी रात को जाना सेफ नहीं है। आप चलिए अंदर, आपने खाना भी नहीं खाया है, खाना खा लेते। नहीं मैं घर ही जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे घर जाएंगे, आप खाना तो खा लीजिए कम से कम। पर पहले भी तो आप रुके हैं ना, तो क्या हो गया? वैसे भी बहुत रात हो गई, अंदर चल के खाना खा लीजिए और यहीं रुक जाइए। चलिए ठीक है, तुम कहती हो तो। अगर तुम पुराना मानो तो एक बात पूछो तुमसे। सर पूछिए। तुम और प्रताप, हमें तुम दोनों आपस में खुश तो हो ना? ओह शायद मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया। नहीं आपने गलत सवाल नहीं किया, पर मेरे पास इसका जवाब नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूं। गीली लकड़ी में कभी आग नहीं लगती।
यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं सर, आप घर जाके आराम करो, वैसे भी आज डॉक्टर आने वाली है नहीं। चल ठीक है, तू संभाल लेना। तुम? हाय। तुम यहाँ? क्यों? नहीं होना चाहिए था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? फोन किया था, ऑफ था, क्लिनिक गई, पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ वो थोड़ा सर दर्द था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे या बाहर से ही भेजने का इरादा था? वो सब बिखरा बिखरा पड़ा है क्योंकि अकेला रहता हूँ ना। अच्छा है, सब कुछ कितना पास पास है। हाँ चाय पियोगी? तुम बनाओगे? हाँ रहने दो, मैं बनाती हूँ। किचन का राइट साइड में। पट्टी का है? सब ठीक नहीं है सर, सब गड़बड़ हो गया, हम प्रताप को चीट कर रहे हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना तुम्हारा ना मेरा। कभी कभी जज्बात हमारे काबू में नहीं रहते, हालात के दरिया में बह जाते हैं। नहीं बहने चाहिए, मैं प्रताप का सामना कैसे करूंगा? कौन बताएगा, तुम या मैं? तुम्हें नहीं पता सुनील, मैं बहुत अधूरी थी, तुमने मुझे पूरा किया। सर प्लीज तुम चली जाओ, प्लीज मैं नजरों में गिर रहा हूँ अपनी, तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, अपने मन से मेरा ख्याल कैसे निकालोगे? हेलो प्रताप, कैसा है तू? हाँ सुनील, सुन सरू को लेकर उसके मायके चले जाना, वो अकेला फील कर रही होगी शायद। कोशिश करना कि आज ही ले जाना। चल रखता हूँ, बाय। ओके बाय। मुझे तुम पे क्यों प्यार आए, मुझे तुम पे इतनी है गुजारिश, तू कर दे इश्क की बारिश, मैं भीगना चाहूं तेरे प्यार में। का मतलब भूख लगी? मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए।
यही तो बुरी आदत है आप दोस्तों की, अपने आप से भागते हो। मैं अपने आप से लड़ता रहता हूँ सरू, ये जानते हुए भी कि तुम प्रताप की हो, फिर भी तुम्हारी ओर खींचा चला जाता हूँ। मेरा घर दूर नहीं था, फिर भी आ गए यहाँ पे। जब दिन थका देते हैं तो अक्सर रातें अपनों के साथ बिताई जाती हैं। उस घर में मेरे साथ जो जो होता रहा वो मैं हमेशा प्रताप और माँ से छुपाती आई, पर अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब वहां रहना मुमकिन नहीं। अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ? भगवान दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपका घर है, आपने मुझे यहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील करा दिया इतने कम टाइम में। आप ये बातें करती हो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सरू, क्या बोल रही हैं आप ये? प्लीज, थैंक यू। प्लीज दीदी, शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। थैंक यू। किस्मत भी हमें किसी न किसी ने मिला ही देती है, नहीं है ना? जख्म कितना गहरा है, कब तक भर जाएगा? जल्दी भर जाएगा। प्रताप का फोन आया था, कह रहे थे तुम उनका फोन नहीं उठा रहे हो। ड्रेसिंग मैंने कर दी है, दवाइयाँ भी लिख दी है, टाइम टू टाइम ले लेना। कुछ भूल गए हो तुम घर? क्या ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर गई? ना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है वो। दीदी एक काम करना, जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए उसे घर का कोई काम मत करने दो, और आप ध्यान रखिएगा उसका, ठीक है?
हेलो हेलो बोलो सरू कैसी हो तुम मैं ठीक हूं मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई थी तुम आपको किसने बताया दीदी ने बताया था कि चोट लगी है जख्म कैसा है ठीक है मैं फोन रखता हूं क्या हुआ सरू उल्टी हुई क्या जी दीदी वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तभी मैं सोचूं इतने दिन हो गए शादी को अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई नहीं दीदी खाने में कुछ गलत आया होगा सुबह नहीं सरू तुम पहली बार माँ बन रही हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता ऐसा ही होता है नहीं दीदी ऐसा नहीं है मतलब कुछ गलत खाया होगा इसीलिए अजीब सा लग रहा है अच्छा चल कोई ना शादी हुई है तो खुशखबरी तो आएगी ही ना अच्छा तू आराम कर मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ पूछोगे नहीं मैं यहाँ क्यों आई कम से कम ये तो पूछ लो कि मेरा हाल क्या है कितनी अजीब बात है ना कोई रिश्ता ना होके भी हमेशा के लिए एक रिश्ता कायम हो गया सरू मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मुझे और शर्मिंदा मत करो मैं पहले ही अपनी नजरों में गिर चुका हूँ इस ख्याल से भी घबरा जाता हूँ कि मैं प्रताप का सामना कैसे करूँ रोज घुट घुट के जी रहा हूँ इस गुनाह की वजह से गुनाह जिसे तुम गुनाह कह रहे हो फिर तो सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूं मैंने तो सबसे बड़ा गुनाह किया है पर इस गुनाह की सजा उसको क्यों दे रहे हो जो इस दुनिया में आया भी नहीं है मतलब मैं कुछ समझा नहीं मतलब ये कि मैं मां बनने वाली हूं क्या ये क्या बोल रही हो तुम दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या कहेंगे शादीशुदा हूं मैं प्रताप उसको कैसे समझाओगी घड़ी की सुइयां रुक जाने से वक्त नहीं रुक जाता भले ही ये बच्चा प्रताप का ना हो पर कोख तो मेरी है ना और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को सरू सरू तुम्हारा कॉल आ रहा है हेलो हेलो मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ आप
आपने सरू जी का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है। मुबारक हो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। थैंक यू। दीदी किसका फोन है? डॉक्टर का फोन था सरू। तुम माँ बनने वाली हो। खुशखबरी है, जल्दी से ये खुशखबरी प्रताप को ढूंढ लो, कॉल करो। अरे करो ना, रहने दो, मैं अपने ही फोन से कॉल करके बताती हूँ। हेलो दीदी। तभी सोचो कौआ शोर क्यों कर रहा है। कोई अपना आया है। वो सरू। बिल्कुल सही मौके पर आए हैं आप। मैं फिर से तुमसे ये कहने आया हूँ कि सरू। अरे सुनील, बहुत दिनों बाद आए हो, लेकिन बिल्कुल सही मौके पर आए हो। लो मुंह मीठा करो, तुम चाचा बनने वाले हो। अरे सरू ने तो मुझे प्रताप को कुछ भी बताने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने भी फोन करके उसे सब बता दिया। भाई क्यों नहीं बताऊं, बुआ बनने वाली हूं मैं भी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। बैठ। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ हमेशा के लिए, मेरे लिए, प्रताप के लिए और अपने आप के लिए। जहानों से तेरे जुदा में हो चला, ख्यालों से तेरे खफा हो चला, नजरे इनायत तो कर देते जाते हुए मुस्कुरा देते जाते हुए। अरे प्रताप आ गया, खुश रहे। देखना आज ही तू आया और आज ही मुझे जाना पड़ रहा है। सरू, सरू देख तो प्रताप आ गया। छोटू मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया क्या? जी मैं। ठीक है, अब सरू का ख्याल रखना। तू कहीं तो रुक जाओ। नहीं दीदी आप जाओ। ठीक है। बस करिए, कितना पिएंगे, बहुत हो गया। दिमाग में सोच का भंडार हो ना तो कमबख्त शराब भी नहीं चढ़ती। सोच किसके बारे में सोच रहे हैं? मैं हूं आपकी सोच की वजह? तुम नहीं तो फिर
तुम अगर मेरी सोच को समझ सकते ना तो आज तो आज आज क्या तो आज जिस तरह बेशर्मों की तरह मेरे सामने किसी और का पाप लेकर खड़ी नहीं होती तुम फिर भी खड़ी हूं ना आपके सामने बेशर्मों की तरह जानते हुए भी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तब भी खड़ी हूं तुम जानती थी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ फिर भी मुझे जलील करने के लिए किया नहीं ये सब सरू चिल्लाइए दादी है ना अच्छा लग रहा है कम से कम आप बात तो कर रहे हैं जानती हूं कोई भी मर्द अपनी बीवी को धोखा देते हुए देख नहीं सकता बर्दाश्त नहीं कर सकता गुनहगार हूं मैं आपकी गुनाह किया है मैंने पर क्या करती और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया है मैंने ये सब बाजी कहती थी शट अप यू व्हाट घर की परंपरा इज्जत मां के लिए ये किया तुमने तो और क्या करती एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है उसका मां बनना दे सकते थे वो खुशी नहीं दे पाए ना और ना कभी दे सकते कौन है वो कोई फर्क पड़ता है इससे मैंने कहा कौन है वो जिंदगी की किताब में बहुत सारे सवाल होते हैं हर एक सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है प्रताप सिंह तूफान गुजर चुका है बस इसे संवारना है सवारने के लिए तैयार हो मेरे साथ तैयार हो इतनी आसानी से कैसे जी पाऊंगा मैं मरना आसान है मगर जीना बहुत मुश्किल मैं जीने के लिए तैयार हूं आप कहें तो मैं चली जाती हूं यहां से लेकिन याद रखिएगा ये बच्चा आप ही का कहलाएगा ये लीजिए आप भर लीजिए जी एक पेन होगा हाँ
सर अगर बुरा ना माने तो मैं कल आके फॉर्म भर दूं। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप कभी भी कल या परसों आके फॉर्म भर लीजिए। थैंक यू, मैं फॉर्म साथ में ले लेता हूँ। मम्मा मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आपका एडमिशन कराने गए हैं। मेरा एडमिशन? मैं बड़ी होके पुलिस ऑफिसर बनूंगी ना। ऑफ कोर्स। हाय गाइस। हे पापा, पापा मेरा एडमिशन हुआ ना? यस बेबी, आपका एडमिशन हो रहा है। आप अभी रूम में जाओ, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। ओके। हो गया एडमिशन? हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया। वो स्कूल में फॉर्म फिल कर रहा था तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, कल कर दूंगा। फॉर्म फिल अप कर रहे थे और तबीयत खराब हो गई, क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया आपकी तबीयत क्यों खराब हुई थी। आई थिंक आई नीड अ ड्रिंक। आपकी सोच का भवंडर शांत नहीं हुआ ना? वो तो कभी भी शांत नहीं हुआ था। सरू, तुमने कहा था ना कि जिंदगी की किताब में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं होते, पर तुम्हारे पास तो है ना सर। मैंने वो पन्ना फाड़ के फेंक दिया जिसमें उसका जवाब था। हाँ सारे उस सुनील की याद आ रही है, वो कुछ गाया करता था, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना बड़े धोखे हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना। खाना लगा देती हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे सर, क्यों किया किस्मत ने मेरे साथ? I'm sorry. नहीं क्यों मैं स्कूल में अपना नाम लिख ही नहीं पाया। अगर हम कोई बच्चा खोद लेते तो भी हमारा ही होता ना। ये तो तुम्हारा ही अंश। हमारा अंश। पता मुझे कह रही थी पापा मुझे आपकी तरह बड़ा ऑफिसर बनना। कह रही थी मुझे भी कह रही थी वो बनेगी। हाँ बनेगी जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, मेरे से भी बड़ी ऑफिसर। सॉरी। ये वी हैड फन ना। कौन? सुनील साले कहाँ चला गया था तू?
छह साल कितना इंतजार किया मैंने तेरा, कहाँ था साले? वो छूट गया था, वही वापस लेने आया हूँ।